कार्यकर्ता राम सिंह जिंदा साहब को सूचना हुई तो उन्होंने अपने मंडल के लोगों को उदयनगर में ले गए। जैसे ही ले गए तो वहां कांग्रेस के लोग सभा में बैठे थे, उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि इनको सभा में मत आने देना। अब कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे मंत्री जी के फंक्शन माने से रोक रहे, पुलिस वालों ने रोक दिया। और रोकने के बाद जैसे मंत्री जी आए तो हमारे कार्यकर्ता बैठे कि भाई हमें कोई समस्या है, इस समस्या से मंत्री जी को अवगत करना है। तो उन्होंने कहा आप मंत्री जी से नहीं मिल सकते, ना तो उन्होंने मिलने दिया ना मंत्री जी ने चला करके शुरुआत करी भाई मेरे कार्यकर्ता इनको आने दो, कोई बात नहीं, मिलते हैं बात करते हैं। तो उनसे कोई बात नहीं करी। उस समय जो और दूसरे लोग खड़े थे वो थोड़ा आकर्षित हो गए, नारे लगा दिए। सिर्फ एक नारे वाले वीडियो हमने जरूर देखे, इसके अलावा एक वीडियो में भी किसी के हाथ में पत्थर हो या किसी ने पत्थर फेंका हो या न्यूज चैनल फैलाया हो कुछ भी नहीं, पुलिस वालों को किसी ने धक्का दिया नहीं, उनसे उनको कोई उनके साथ कोई बर्ताव कोई बुरा बर्ताव किया नहीं। सिर्फ बड़ी जो वाजिब कोई बात थी वो कह रहे थे, लेकिन वहां से तो कार्यक्रम खत्म हो गया, चले गए। अब पता नहीं वापस कैसे उनको गुस्सा आया, क्या आया, आईजी को धमकाया, एसपी को धमकाया। आईजी आए रात को, एसपी आए, 2000 फोर्स लेके आए और तुरंत ही इन्होंने नाम तय किए कि वाह वाह ये नाम है, करीबन 20-25 नाम दिए, इनको अभी धरपकड़ करो, रेड दो और उनके ऊपर दबिश दो और अभी लेके आओ। तब ये रात को 11 बजे हमारे श्रीमती चंपा कुमार जी सरपंच है, उनके बेटे हरी सिंह जी वहां गए। हरी सिंह कहा है तो दरवाजा खोला, खटखटाया जोरदार, सारे घरों के दरवाजे खटखटाए। हरी सिंह जी बाहर आए कि हरी सिंह नहीं छू, जैसे दरवाजा खोला कि पूरी पुलिस अंदर चली गई। अंदर जाकर कहा कि पार सिंह और है या आईपाल और है, ऐसे करके 3-4 नाम बताए। और महिलाएं जब आई सामने तो उनको धक्के दिए और बड़ा यूं बदतमीजी करी कि आज 25 गाड़ी एक साथ जावे तो हॉर्ड आवेगी, हॉर्ड उठे नहीं उठे। उन्होंने जिंदगी में अपने घर पुलिस नहीं देखी, पहली बार पुलिस आई। तो उसी समय वो गच खा करके बेहोश हो गई वो हमारी सरपंच, और फिर डॉक्टरों को लाना पड़ा, अभी इलाज चल रहा है, अभी भी स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है। तो आप महिला पुलिस लाते साथ में और वही वो बदतमीजी कर रहे, मुझे बुलाया फोन करके साहब बाबू सिंह जिस तरीके से हमको घर पकड़ कर रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं पहुंच गया मौके पे, पहुंच मैंने कहा भाई बताओ क्या हुआ, कैसे क्यों ले जा रहे हो, कोई नोटिस दिया रात को आप आए हो, या कोई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? तो कि नहीं मुकदमा भी दर्ज नहीं है, पर इन्होंने वहां पत्थर फेंके। मैंने कहा इनका वीडियो बता दो, आप पत्थर फेंकने का फिर ले जाओ, मुझे बता दो इनका वीडियो, नहीं तो मेरा कार्यकर्ता है मैं एक इंच भी गाड़ी आपकी आगे नहीं जाना दूंगा, मैं मेरे कार्यकर्ता के साथ आई नहीं होने दूंगा। मैंने कहा मेरे कार्यकर्ता के साथ मैं इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूं। तब हमारी जद्दोजहद दबा दी, फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब मुकदमा दर्ज नहीं है, ट्रैश आउट नहीं है, कौन वहां थे कौन नहीं है, फिर भी बस नाम वहां से आगे इनको सबको गिरफ्तार करके लाओ। मुकदमा कब दर्ज हुआ? 3:22 पर। मुकदमे में कई धाराओं लगाई, धारा लगाई राज कार्य में बाधा, जेड प्लस सुरक्षा तोड़ना, मारपीट करना, पत्थर मारना, ऐसी कई धाराएं लगा करके 15-8-9 नामजद किए, नाम और पिताजी के नाम, और सब हमारे मंडल अध्यक्ष, कोई सरपंच, कोई पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि बीजेपी के 15 अन्य वो नामजद कर दिए इन्होंने मुकदमे। अब इस प्रकार से बिल्कुल झूठा मुकदमा पुलिस के साथ, कोई एक नहीं भी आप वीडियो बता दो किसी के साथ धक्का मुक्की पुलिस ने की थी, किसी नहीं की। और इस प्रकार से निर्दोष लोगों को फंसाना, वही अपने राज में फंसाना। अब आज पूरी जनता हमारे से न्याय की उम्मीद कर रही है, कहीं अन्याय होगा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने साथ लेके जाएंगे और हमारी सुनाई होगी। और सुनाई जब बीजेपी के कार्यकर्ता खुद के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, और आज वो जो मेन कार्यकर्ता है वो सब भूमिगत है, आज आपके बीच में नहीं है, वे सब डरुड़ा है, वे भूमिगत हो रहा है, कहीं हमारा गिरफ्तार कर ले कहीं, और झूठा गिरफ्तार कर लिया तो ऑपे कहीं करो बताओ। आज स्थिति है इन वास्ते अपन अठिया धनो देना पड़ियो और अठिया आना पड़ियो, तो आज सारी स्थिति हो रही है। इन वास्ते मारो आप सब निवेदन है कि जो भी स्थितियां ये आपके सामने है, मैं तो आपने एक ही निवेदन करूं।